नमस्कार दोस्तों, ब्रिटेन ने पिछले दो हफ्ते में काबुल से लगभग 15,000 ब्रिटेन और अफगानी नागरिक को निकालने के बाद अपना बचाव अभियान खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में ब्रिटेन के राजदूत लॉरी वॉशर ने शनिवार को जानकारी दी है। इसी बीच ब्रिटेन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बयान जारी कर कहा कि अफगानिस्तान से पिछले शनि की आखिरी खेप का निकलना एक ऐसा क्षण है जो हमें यह दिखाता है कि बीते दो दशकों में हमने क्या बलिदान किया और क्या हासिल किया है। गौरतलब है कि 15 अगस्त को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर आतंकी संगठन तालिबान का कब्जा हो जाने के बाद अफगानिस्तान स्थित ब्रिटिश के राजदूत को खाली कर लिया गया था। इसी बीच अफगानिस्तान से दूसरा अपडेट निकल कर आ रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर एक और आत्मघाती हमला का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले 24 से 36 घंटे के भीतर एयरपोर्ट पर फिर से आतंकी हमला होगा। उधर हमले की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने एयरपोर्ट के गेट से अपने सैनिकों को हटा दिया है। अब इन गेट्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी तालिबान के हाथों में दे दी गई है। और इसी बीच अमेरिका ने काबुल हवाई अड्डे पर तैनात अपने सैनिकों की वापसी प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने शनिवार को कहा कि वाशिंगटन में अपने सहयोगी देशों से बात करने के बाद यह कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि पिछले दो हफ्तों से अब अमेरिका ने अफगानिस्तान से लगभग 1,00,000 लोगों को बाहर निकाला है। इसी के साथ पिछले 20 साल से अफगानिस्तान में जारी अमेरिका की जंग भी अब समाप्त हो गई है। इसी बीच तालिबान ने पूरे एयरपोर्ट के इलाके पर अपना कब्जा भी कर लिया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।